शुरू में तुमने टसन दिखा दिया तो लो ये तो पावर स्टार उनसे बड़का टसन में, तो लो भाई अब टसन टसन खेलते रहो। हो गया 5 साल 4 साल बीत गया ना टसन टसन में इन लोगों का। ज्योति की गलती ये है कि उसे अगर हर विपरीत परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। हम लोग कह रहे कि ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह जो है वो भाव नहीं दे रही थी आपको, इसलिए आप अमन सिंह की ओर आपने अपना रुख किया। अच्छा कि कानून हमारा अंधा है, महिलाओं के लिए बना है, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो हो जाए, पुरुष आयोग कोई नहीं है, हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे ही रखेंगे। आप कह रही है कि एक महिला गलत हो सकती है, दो महिला, सारी की सारी जो दो तीन महिलाएं थी सब गलत थी, तो पवन सिंह सही थे। जब तक पवन जी आपके लिए कर रहे थे तब तक पवन जी बहुत अच्छे थे, और जब आपके लिए करना छोड़ दिए, जब वो बैंक करप्ट हो गए, एक वक्त में ऐसा आया पवन के अकाउंट में 400 रुपए बचा था। तो देखिए जीवन के बारे में तो जितना पवन के बारे में जाने ना, पवन को बिल्कुल लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और खासकर महिलाओं पे विश्वास ना करें ज्यादा जो उनके जीवन में आ रही हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी उनके पास आया या तो अपने कैरियर ओरिएंटेड होके आया या तो उनसे फायदा उठाने के लिए आया। कि आप लोग चाहते हैं महिला सही हो या गलत, महिला के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। अरे भैया जहां महिला गलत है वहां महिला को गलत बोलेंगे हम कोई कानून नहीं होने जा रहे हैं। जब पवन को हम भला बुरा कह रहे थे तब आप लोग बड़ा मजा ले रहे थे, अब जरा सा इन लोगों के लिए बुरा कह दिए तो काहे की मिर्ची लगनी। जो इधर से सुना उधर कहा, उधर से सुना इधर कहा, हमारा काम तो है दोनों पक्ष को समाज में लाना ना। अगर जब वो इतने बुरे हैं तो आप जाते क्यों हैं उनके पास, मत ना जाइए। किसने कहा आपको जाने के लिए, किसी ने धक्का दे के भेजा आपको पवन के पास। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। इन दिनों एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, उस तस्वीर में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। वही वीना मानवी जो कि उनका विरोध करती थी और उनको कहती थी कि वो तो घंटा का सुपरस्टार है। उस तस्वीर के पीछे की क्या सच्चाई है, वीना मानवी जी से ही पूछते हैं कि क्या बात है, वो तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, आदमी जब किसी से मिलता नहीं है तब तक चलो ठीक है, जो दुनिया ने सुनाया जो आपने बोला, अब आप दो तीन महिला मिलके एक लड़का का बुराई करेंगी तो फिलहाल के लिए तो मेरी पिक्चर वही बन जाएगी ना, तो वैसे ही बन गई। आप भी विरोध कर रही थी। हाँ डेफिनेटली, जितनी बातें सुने थे कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, क्रिमिनल माइंडेड है, ये है वो है, लड़कियों का शोषण करता है, तो लगता था कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, बहुत गंदगी है तो होता होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप मिलने चले गई उनसे? क्योंकि मेरे को भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई आइडिया ही नहीं था, तो अब जानना तो जरूरी था भाई। वो मान लीजिए जैसे भी थे, तो जब तक आप तह तक दोनों पक्ष को नहीं जानिएगा तब तक कैसे। जब हमने इनकी बात सुनी तो इनके बारे में बोला, उनकी बात सुन रहे तो उनके बारे में बोल रहे, तो इसमें क्या ही दिक्कत है। और संस्कार पैर छूना उनके संस्कार में है, मैंने नोटिस किया है वो अपने से हर बड़े व्यक्ति को पैर छू के प्रणाम करते हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है आपने पैसा भी लिया इसलिए आप मामला सुलझाने के लिए गए थे। पैसा उनका लिया हमने, उसमें दुनिया को क्या प्रॉब्लम भैया ये बताइए। पैसे लेके आप मामला सुलझा रही हैं? पैसे लेके मामला सुलझा रहे हैं, अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो आप यही समझिएगा। हाँ लोग उस हद तक सोच सकते हैं जिस हद तक हमारी सोच जाती भी नहीं है, तो मतलब हम जो करते हैं उससे कहीं ऊपर लोग सोचते हैं, तो सोचने वाले के सोच को तो नहीं रोक सकते ना। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, और हमें जस्टिफिकेशन क्यों किसी को देना, हम अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम थोड़ी करते हैं यार, हमें सुकून है बस, है तो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह जो है वो भाव नहीं दे रही थी आपको, इसलिए आप अमन सिंह की ओर आपने अपना रुख किया। अच्छा कोई बात नहीं, मान लीजिए भाव नहीं दे रही थी, लोग जो कह रहे हैं उन्हीं की बात में करते हैं, तो तुम दोनों भाव नहीं दे रही थी इसलिए हम पवन की तरफ रुख कर दिए। लो तुम ही खुश हो जाओ, अपने जो सोच रहे हो तुम्हारी बात में खुशी कर दिए जाओ। सीधे सीधे आप क्या कर रही हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ हमने किया? नहीं देखिए ऐसा है, जब ज्योति की बात आई, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग चाहते हैं महिला सही हो या गलत, महिला के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। अरे भैया जहाँ महिला गलत है वहाँ महिला को गलत बोलेंगे हम कोई कानून नहीं होने जा रहे हैं, कि कानून हमारा अंधा है, महिलाओं के लिए बना है, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो हो जाए, पुरुष आयोग कोई नहीं है, हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे ही रखेंगे। जब पवन को हम भला बुरा कह रहे थे तब आप लोग बड़ा मजा ले रहे थे, अब जरा सा इन लोगों के लिए बुरा कह दिए तो काहे की मिर्ची लगनी। जो इधर से सुना उधर कहा, उधर से सुना इधर कहा, हमारा काम तो है दोनों पक्ष को समाज में लाना ना। ज्योति सिंह को आप गलत कह रही है, कह रही है कि महिला जब गलत होती है
उनका साथ हम क्यों दें? नहीं नहीं, महेश ज्योति की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि ज्योति की गलती क्या थी। ज्योति की गलती ये है कि उसे अगर हर विपरीत परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर पति ने विदाई के लिए तुम्हारे पास भेजा संदेश कि आ जाओ, तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। अगर लोग तुम्हें विदाई कराने गए थे तो तुम्हें उनके साथ आ जाना चाहिए था। अगर घर बसाना था तो शुरू में तुमने टसन दिखा दिया तो लाई तो पावर स्टार उनसे बड़का टसन में, तो लो भाई अब टसन टसन खेलते रहो। हो गया 5 साल 4 साल बीत गया ना टसन टसन में। इन लोगों का जीवन तो दोनों का बर्बाद हो रहा है, किसी एक का बर्बाद थोड़ी हो रहा है, दोनों का समय बर्बाद हो रहा है, दोनों का जीवन। अभी 4 साल का एक बच्चा रहता गोदी में, ठीक से रहता है ये लोग, तो क्या करें। बेवकूफ़ी का कोई अंत ही नहीं है। दोनों की गलती है, दोनों कान के कच्चे हैं। अच्छा, आप मिली पवन सिंह से, मिली उनसे बात की, क्या लगता है उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, बहुत कुछ कहा उनके बारे में। देखिए जीवन के बारे में तो जितना पवन के बारे में जाने ना, पवन को बिल्कुल लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और खासकर महिलाओं पे विश्वास ना करें ज़्यादा जो उनके जीवन में आ रही हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी उनके पास आया या तो अपने कैरियर ओरिएंटेड होके आया या तो उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आया। यानी आप कह रही हैं कि एक महिला गलत हो सकती है, दो महिला, सारी की सारी जो दो तीन महिलाएं थी सब गलत थी, तो पवन सिंह सही? किसको उन्होंने धोखा दिया? जितनी महिलाएं आई तो आरोप लगा रही हैं। अरे भाई सुनो, आरोप लगा रही हैं तो जाते क्यों है? जब एक महिला का सुन लिया था तो दूसरी क्यों गई? दूसरी का सुन लिया तो तीसरी क्यों गई? तीसरी का सुन लिया तो चौथी क्यों गई? अब चौथी के सुनने के बाद पांचवी भी तैयार बैठी रहेगी उनके लिए। अच्छा। तो प्रॉब्लम तो भैया महिलाओं में है। अच्छा। प्रॉब्लम यहाँ पुरुष में है कहाँ? वो तो अपने जिस लक्ष्य पे चल रहा है, जिस स्टाइल में चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। अगर जब वो इतने बुरे हैं तो आप जाते क्यों हैं उनके पास? मत ना जाइए। किसने कहा आपको जाने के लिए? किसी ने धक्का दे के भेजा आपको पवन के पास? खुद जाना है, खुद गंदगी मचाना है, खुद अगर बात आपके मुताबिक ना हो तो समाज में गंदगी फैलाना है। जब तक पवन जी आपके लिए कर रहे थे तब तक पवन जी बहुत अच्छे थे, और जब आपके लिए करना छोड़ दिए, जब वो बैंक करप्ट हो गए, एक वक्त में ऐसा आया पवन के अकाउंट में 400 रुपये बचा था पावर स्टार, उसने तो अपना दुख किसी को बताने नहीं गया कि मैं इस तरह का जीवन भी झेला हूँ। वो तो हर परिस्थिति को झेलता रहा। तो क्या ये सब बातें समाज के बीच में नहीं आनी चाहिए? जो एक लड़का इतने 4 सालों से बदनाम हो रहा है, तो अगर उसकी कुछ दर्द मैंने समाज के सामने रखी दी जाके जान के, तो इसमें बुरा ही क्या है? दोनों पक्ष को जानना चाहिए। अब रह गई ज्योति और पवन की बात, तो मामला कोर्ट में है। अब भाई बहुत कोशिश हो गई हम लोगों से, बहुत कोशिश करने वालों ने कर ली, अब ये लोग कोर्ट से ही समझ लें। आपके पास ये मामला आया है अगर, तो क्या सुलझेगा ये मामला? सुलझाने तो गए ही थे, कॉपरेशन नहीं मिला प्रॉपर। हो सकता किसकी है, किसकी तरफ से नहीं हो रहा है? ज्योति पहुंच नहीं पाई मुंबई। अच्छा। तो फिर एक कोशिश है कि दोनों बंद कमरे में बैठे, या तो मिल लें प्रेम से या अलग हो जाएं प्रेम से, जो करना है प्रेम से अलग करके। अब इस मामले को, ये 2024 के शुरुआत में इस मामले का अंत अब होना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ वीना मानवी जी थी, उन्होंने कहा कि ताली एक तरफ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। गलती सिर्फ ज्योति सिंह की या पवन की नहीं है, गलती दोनों की है। अगर दोनों चाहे तो ये मामला सुलझ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।